वेलकम बैक टू लिटिल टेरेस गार्डन और आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये मेरा छोटा सा पॉट है और मैंने इसमें दो तरीके की कटिंग लगाई है, 9 o'clock की, और उसके साथ में मैंने इधर ये छोटा सा प्लांट लगाया कलरफुल कोलियस। बड़ा अच्छा पॉट लग रहा था। वैसे तो मैं कुछ और दिखाने वाली हूँ आज आपको, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारे विंका के दो पॉट मैंने एक साथ रखे हैं और बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। और आज बहुत सारा हो रहा था, मैंने इसकी जगह जगह से देख सकते हैं कटिंग करी है। ये देखिए, काफ़ी सारी कटिंग कर दी है, बहुत बुशी हो रहा था। तो जो लोग विंका के शौकीन हैं, सदाबहार के यानी कि, वो लोग बरसात में ये विंका का जो प्लांट बहुत बुशी हो जाता है, इसको थोड़ा सा कटिंग कर दें इसकी, क्योंकि बुशी होने के कारण फ्रेंड्स इसमें पानी रुकने लगता है और जहाँ पानी रुकता है वहीं से ये गलना स्टार्ट हो जाता है। तो विंका का जो पॉट है ये आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आप खुद पानी दें तो ही इसके अंदर जाए। बरसात का पानी आप किसी बकेट में स्टोर करके इसमें दे सकते हैं। अगर बरसात का डायरेक्टली इसमें पानी पड़ता है तो इसकी जो स्टैम्प है वहाँ पर, जहाँ पे भी ये रुक गया पानी, वहीं से इसकी स्टेम गलना स्टार्ट हो जाएगी। विंका का प्लांट्स जो देसी वाला होता है वो तो किसी भी हाल में चलता है, तो ये इंग्लिश जो विंका है ये बरसात से बचा के रखेंगे तो ये आपके पूरे साल चलते हैं और ख़त्म नहीं होते हैं। सिर्फ एक ही इसका जो पॉट है, ध्यान रखें इसके पॉट में बरसात में पानी ठहरे ना, यानी कि इसका जो ड्रेन सिस्टम है वो बिल्कुल गुड होना चाहिए, जो पानी इसमें डालते ही निकल जाए। तो और दूसरी बात मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने जो कई दिन पहले कटिंग लगाई थी वो बहुत अच्छी निकल के आई है। साइड में ये देखिए, लगाई भी क्या थी, आंधी आई थी बहुत तेज, उस आंधी में फ्रेंड्स बहुत बड़ी एक ब्रांच थी वो टूट गई थी, तो उस ब्रांच को मैंने कट करके कई जगह लगा दिया, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी करके। तो इसमें ऑलरेडी एक प्लांट चल रहा था जो कलरफुल है, आप देख सकते हैं, ये छोटी सी इधर लगाई थी, इसमें आज फूल खिला होगा, बिल्कुल डल हो गया, पर प्लांट हो रहा है आप देख सकते हैं। और इधर ये विंका का हो रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको तकरीबन 3 दिन पहले लगाया था और बरसात आज हुई है तो मैंने थोड़ा सा इसको बरसात में निकाल के रखा है, पर ज़्यादा बरसात में इसको ना रखें। तो इस तरीके से ग्रीन 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 जो प्लांट हैं, आप चाहें तो बहुत अच्छा मौका है, बरसात स्टार्ट हुई है। जो लोग विंका के प्लांट लगाते हैं, मेरे पास विंका के कम से कम 10 प्लांट हैं, अलग अलग प्लांटर में लगा रखे हैं मैंने, तो काफ़ी बुशी हो रहे थे तो मैंने उनको काट छांट दिया है। ज़्यादा धूप पड़ने के कारण जो प्लांट मैंने धूप में लगा रखे थे वो थोड़े से पीले भी पड़ गए थे, उनकी पत्तियां छांट दी हैं। और इस तरीके से ब्रांच निकाल करके मैंने काफ़ी जगह लगाई है, आपको दिखाती हूँ मैं। जैसे ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है एक प्लांट सिंगोनियम का, उसके साथ में मैंने ये कटिंग लगाई है, और दिखाती हूँ एक कटिंग फ्रेंड्स ये लगाई है। आज मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगी, ये तो कम से कम 15 दिन पहले की लगी हुई है, ये आज लगाई है, ये भी आज लगाई है, ये 15 दिन पहले से चल रही है, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी हो गई है। और इसमें भी ये 15 दिन पहले की लगी हुई है, काफ़ी अच्छी चल रही है, ये देखिए ये भी 15 दिन पहले से ही लगी हुई है और मुझे लग रहा है कि लग चुकी है अच्छी खासी। तो विंका की जो कटिंग है ये भी देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 7 दिन पहले लगाई थी और हो चुकी है। इसमें मैंने आज लगाई है, ये वाइट है, ये भी वाइट है और इधर ये कलरफुल है, एक वाइट इधर लगाई है मैंने, ये देखिए ये लगा दी मैंने इधर, और ये पॉट में इधर साइड में लगाई है, एक इधर लगाई है, देखिए। तो इस तरीके से दो काम हो गए, ये देखिए इधर भी मैंने मिक्स करके लगाई है, ये देखिए। तो इस तरीके से दो काम हो गए, जो हमने अपने प्लांट को, जो ये बुशी प्लांट था उसको मैंने काटा छांटा जो कि मेरा प्लांट्स ख़राब ना हो, और कटिंग से प्लांट्स और ज़्यादा ग्रो करके आता है,
और दूसरा इनकी जो कटिंग थी, मौसम अच्छा है इस तरीके से मैंने साइड साइड में लगा दी है। ये देखिए मिक्स करके तो काफ़ी अच्छा ये पॉट भी लग रहा है फ्रेंड्स, देखिए। तो इस पॉट की फिर वीडियो बनाऊंगी, मैंने काफ़ी सारे इसमें कटिंग लगाई है सीज़न। तो इस तरीके से हमारे प्लांट्स की थोड़ी सी केयर भी हो गई और बहुत सारी मेरे पास में अलग अलग विंका की कटिंग भी हो गई। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, लग रहा है ना। ये बहुत बुशी था, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये देखिए जगह जगह से, ये देखिए कि ये बुशी होने के कारण कहाँ इसका पानी रुकता मुझे पता भी नहीं लगता, तो मैंने इसकी कटिंग करके काफ़ी जगह लगाई है, वेस्ट नहीं करिए बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से अपनी विंका को हल्का करें और विंका की कटिंग को इस तरीके से लगाएं, किसी भी पॉट में लगा दें, ज़रूरी नहीं है स्पेशल कोई पॉट हो। सो फ्रेंड्स अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स।